मेरा नाम सविता है और मैं अभी विप्रो में एज एन एडवाइज़र काम कर रही हूँ। मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, सो सविता वॉज 26 ईयर्स ओल्ड, 26 साल की लड़की। जब आई तो बहुत नाराज़ थी, बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो आई थी डायग्नोसिस के साथ। आई थिंक मुझे जो फर्स्ट टाइम मैंने लम्प फील किया था, दैट वाज इन 97। और जब ही मेरा कैंसर बहुत हाई एडवांस स्टेज में था एंड मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई थी कीमोथेरेपीज, दैट वाज 2006। सो अराउंड इट वाज 9 इयर्स। क्योंकि वो इसको जब पता चला था, वो सरकारी अस्पताल में गई थी और उसने कहा कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है, आप देखिए। तो जब देखा गया, 26 साल में, वैसे भी देखा जाए तो सबकी थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कि 26 साल की लड़की में कुछ क्यों होगा, ब्रेस्ट कैंसर ऑफ ऑल थिंग्स क्यों होगा। तो हो सकता है कि इस चक्कर में कई लोगों ने उसको कह दिया कि कुछ नहीं है और ये ठीक है, तो वो वापस चली गई। पर फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं थी, उसको पता था कि कोई गांठ है जो जिसका ये साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है। फैमिली में ऑफ कोर्स मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग हैं। मेरी छोटी बहन, आई रिमेम्बर कि जब मेरा टेस्ट आया था बायोप्सी का, शी वॉज अवेयर ऑफ दैट कि बायोप्सी में पता चला है कि तुम्हें कैंसर है। ठीक है, बट शी हाइडेड इट फॉर 10 डेज। और जब मुझे एक वीक के बाद पता चला था, आई वॉज रियली सरप्राइज कि वो मुझसे इतनी छोटी है एंड हाउ शी वॉज नेवर मीन, शी वॉज नेवर अपसेट। जब हमने उसे देखा तो अनफॉर्चुनेटली वन ब्रेस्ट वॉज अ लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम थोड़ा सा एडवांस कैंसर मानते हैं, वो था। और उसी समय पता चला कि उसके ऑपोजिट ब्रेस्ट में भी एक गांठ है, क्योंकि लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर थी और दूसरे ब्रेस्ट के भी बायोप्सी वॉज पॉजिटिव। शी हैड टू अंडरगो कीमोथेरेपी फर्स्ट, पहले इसकी कीमोथेरेपी हुई। कीमोथेरेपी के बाद फिर हमने सर्जरी करी, बीच में 3 साइकिल्स हुए, उसके बाद सर्जरी हुई। सर्जरी में दोनों ब्रेस्ट की फुल रिमूवल हुई। बहुत हिम्मत वाली लड़की है, क्योंकि ये डिसीजन इसका खुद का था। इसकी फैमिली जो थी बिहार में थी, मदर आती थी पर इसके फादर भी थे, तो वो उनके ख्याल में देखभाल करने में लगी रहती थी। तो पर ये जैसे इसकी बड़ी हिम्मत थी, इसकी छोटी बहन थी यहाँ पे, इसके कुछ बड़े अच्छे दोस्त थे जो इसके साथ हमेशा ट्रीटमेंट में आते थे। एंड आई रियली रिमेम्बर कि आप एक अटेंडेंट या दो अटेंडेंट आपको अलाउ होते हैं, दे यूज टू कम विथ 15-18, दे यूज टू गेट स्कैटर्ड विथ, मतलब डिफरेंट पेशेंट्स। एंड रियली मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं आइसोलेटेड हो गई हूँ। दे नेवर यूज टू लेट मी फील कि मैं आइसोलेटेड हूँ, मैं ट्रीटमेंट के लिए चली गई हूँ। तो इनके सहारे इसने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया, पर इसमें हिम्मत बहुत है। इसकी हिम्मत से मुझे भी हिम्मत मिलती है।